हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज मैंने जैसा कि आपको बोला था कि मैं मैनुअल डिज़ाइन स्टार्ट करूंगा, मैनुअल वर्सेस सॉफ्टवेयर, तो आज से मैंने वो स्टार्ट कर दिया है। और आज मैंने एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिया है। मैंने आपको बोला था कि आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करोगे, मेरे सब्सक्राइबर अगर आएंगे और व्यूज़ भी अगर अच्छे आएंगे, तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बोला था। तो मैं डेफिनेटली सारे मैनुअल वर्सेस सॉफ्टवेयर लेके आऊँगा। तो आप लोगों ने वो किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अभी मैं थोड़ा और चाहूँगा, थोड़ा और आप लोग पढ़ाइए। और आज से हमने मैनुअल पे, पहले तो हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे उसका सॉफ्टवेयर पर कैसे रिजल्ट आता है, फिर मैनुअल। आगे हम लोग का जो सीरीज आगे है, ये पूरा का पूरा सीरीज चलने वाला है मैनुअल वर्सेज सॉफ्टवेयर। आगे हम लोग बीम का न्यूमेरिकल करेंगे, कॉलम का न्यूमेरिकल करेंगे, और उसका हमको सॉफ्टवेयर पर भी देखेंगे उसको। तो आप लोग इसको ढेर सारा देखते रहिए, और डेली आपको एक एक अपडेट मिलता है, जैसा कि हमारे चैनल पे। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से मैनुअल एसएफडी बीएमडी करते हैं और सॉफ्टवेयर पे कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, 3 मीटर्स का हमारे पास एक स्पैन है, जिसमें यूडीएल लगा हुआ है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है, जो कि 10 किलो न्यूटन का है। अब आपने कॉलेज में भी पढ़ा होगा, सोम में पढ़ा रहा होगा कि बीएमडी निकालने के लिए क्या करते हैं, WL² / 8 फॉर्मूला क्या होता है, WL² / 8। तो W यहाँ पे आपका क्या है, W है 10 किलो न्यूटन का, और उसके बाद इंटू लेंथ कितना है, 9। क्यों, क्योंकि 3 मीटर है, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर मीन्स 9, और उसके बाद बाई 8 क्यों, 8 डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपको प्रूवमेंट भी चाहिए तो बताइएगा, इसका प्रूवमेंट आपने वैसे कॉलेज में पढ़ा होगा, तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं बी एम इक्वल टू या बी एम डी इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। तो इसको हमने कैलकुलेट किया, तो ये कितना आया, 11.25। कितना आया दोस्तों, 11.25। और इसके चलिए एसएफडी की बात करते हैं। ये एसएफडी जो होता है, एसएफडी के लिए फॉर्मूला होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2। तो आपका डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू है आपका यहाँ पे 10 किलो न्यूटन, उसके बाद एल क्या है, एल है आपका 3, एल आपका क्या है 3 बाई 2। तो कैलकुलेट किया तो आपका कितना आ गया, 15, क्यों 10 30 और 30 बाई 2, तो आ गया 15। और यही चीज़ इधर नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसके लिए नेगेटिव डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, -15। तो दोस्तों देखा कि आपके सामने इस तरीके का एक बीम है, जो कि आपने पहले कॉलेज में ही पढ़ा है और आज भी आपने देख लिया। अब मुझे क्या चाहिए, हमने आपको बोला था कि मैनुअल वर्सेस सॉफ्टवेयर, तो हम लोग सॉफ्टवेयर पे ये वैल्यू निकाल के देखेंगे क्या यह एग्जैक्ट आ रहा है, और आ रहा है तो कैसे लेके आएंगे, वो हम लोग देखने वाले हैं। चलिए लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। ये अभी मैंने यूडीएल का किया हुआ, इसके बाद मैं यूबीएल का करूँगा, पॉइंट लोड का करूँगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से करते हुए हर एक टाइप का मैं एसएफडी बीएमडी आपको लगा के दिखाऊंगा, इस तरीके से आपको ऑटोकैड पे या पीपीटी के थ्रू, और साथ ही साथ उसका न्यूमेरिकल भी आपको स्टैट प्रो भी करके दिखाऊंगा। चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे 3 मीटर का स्पैन है, सो जस्ट 0 to 3 एंड ऑफ दिस। नाउ आफ्टर दिस जस्ट गो टू जनरल, एंड अब जनरल पे जाने के बाद आप एक प्रोबेबिलिटी मान लीजिए कुछ भी इसका वैल्यू, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो डिफाइन रेक्टेंगल, सपोज आई टेक द स्पैन इज 0.23 × 0.23 एट क्लोज, असाइन यस। आफ्टर दिस सपोर्ट, जब इस तरीके का आपका स्पैन है तो यहाँ पे पिन सपोर्ट होता है दोस्तों। कौन सा सपोर्ट होता है स्टैट प्रो की लैंग्वेज में, पिन सपोर्ट। तो पिन सपोर्ट के लिए क्या करेंगे, क्रिएट, और यहाँ पे पिन पे जाएंगे और एट क्लोज। अब ये जो स्टैट प्रो होता है, ये ब्रिज स्ट्रक्चर को के मेथड को फॉलो करता है। तो जब आप यहाँ पे अगर दोनों साइड पिन लगाएंगे, तो ब्रिज जैसे ब्रिज होता है ना, ब्रिज में एक साइड पिन एक साइड रोलर लगाते हैं, तो अगर दोनों साइड पिन लगाओगे तो एक वार्निंग देगा जिसको हमको इग्नोर करना होता है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लोड एंड डिफिनेशन, लोड एंड डिफिनेशन पर जाके लोड के स्टेटस एट। अब हमारे पास यहाँ पे कई लोड्स हैं, बट अभी मुझे लगाना है UDL, सो मैं डायरेक्ट नॉन ले लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ UDL, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एट क्लोज। UDL पे क्लिक करने के बाद एड, और यहाँ पे आएंगे आपके सामने मेंबर लोड होगा, मेंबर लोड में यूनिफॉर्म फोर्स जोड़ देंगे माइनस, कितने किलो न्यूटन का था, 10 किलो न्यूटन। और यहाँ पे माइनस इसलिए क्योंकि स्टैट प्रो हमेशा वैल्यू कैसे लेता है, ऊपर से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेता है, इसलिए हम लोग माइनस लेंगे और इसके बाद ऐड करेंगे और क्लोज कर देंगे। इसके बाद दोस्तों इसको लेंगे और यहाँ बीम को सेलेक्ट करेंगे, असाइन करेंगे
तो इस तरीके से हमने लगाया। अब देखिए ग्राफ बहुत बड़ा बन जाता है, तो यहाँ पे लोड्स होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यूडीएल आपके सामने लग जाएगा। और इसके बाद एनालिसिस एंड प्रिंट पे जाएंगे, ऑल पे जाएंगे, एट क्लोज। अब आपको एनालाइज पे जाना पड़ेगा, रन एनालिसिस, सेव। जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक वार्निंग देगा जिसको हमको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि उस ब्रिज स्ट्रक्चर में वो बतलता है कि हमारे दोनों डायरेक्शन में सेम नहीं लगने चाहिए, सपोर्ट सेम नहीं लगना चाहिए, तो जिसको हमको इग्नोर करना पड़ता है किसी न्यूमेरिकल में। इसके बाद आपको पोस्ट प्रोसेसिंग में जाना पड़ेगा, और पोस्ट प्रोसेसिंग में जाके ओके करेंगे, और फिर यहाँ पे देखेंगे कि हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है और शेयर फोर्स कितना आ रहा है। तो जैसे आप बीएम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास आएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका कितना आ रहा है, 11.25, और आपका मैनुअल कितना आ रहा है, 11.25। मीन्स आप एग्जैक्ट वही वैल्यू लेके आ रहे हैं जो वैल्यू यहाँ पे सॉफ्टवेयर में आ रहा है। मीन्स आपका सॉफ्टवेयर वर्सेस ऑटोकैड लाइक मैनुअल आपका सेम है, तो इसका मतलब कि न्यूमेरिकल आप काफ़ी अच्छे से सीख चुके होंगे। अब मुझे देखना है कि देखिए इसका ग्राफ भी आप देख सकते हैं, इसका ग्राफ इस तरीके से है, और हमारा ग्राफ किस तरीके से, हमारा ग्राफ इस तरीके से, क्योंकि हमने जो वैल्यू दिया पॉजिटिव डायरेक्शन में देते हैं, स्टेट प्रो में निगेटिव डायरेक्शन में मैंने -10 किया था, इसलिए इधर से दिया था। अब इसके बाद अगर आप इसका एक्सेल लाइक शेयर फोर्स देखना चाहते हैं, तो शेयर फोर्स आप यहाँ से देख सकते हैं, और शेयर फोर्स देखेंगे तो शेयर फोर्स कितना आ रहा है आपका, 15 पॉजिटिव डायरेक्शन में और -15 नेगेटिव डायरेक्शन में। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपके पास 15 पॉजिटिव डायरेक्शन में और 15 माइनस डायरेक्शन में। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे जो ग्राफ आ रहा है, जैसे कि अभी ग्राफ को अच्छे से और देखना है, तो आप यहाँ पे जाएंगे, ये देखिए मोमेंट है। अब शेयर फोर्स का अगर ग्राफ देखेंगे तो शेयर फोर्स का ग्राफ आपका ऐसा है, बेंडिंग मोमेंट को हम ऑफ कर देते हैं, तो देखिए शेयर फोर्स का ग्राफ तो आपको परफेक्ट मिल जाएगा इस तरीके से, बट आपको बेंडिंग मोमेंट में प्रॉब्लम जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या करेंगे हम लोग, आगे सॉरी ये यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब आपको किसी ने बोला मुझे सर पॉजिटिव डायरेक्शन में ही चाहिए, तो आप उनके ख्याल को चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ आपको क्या करना है उस टाइम पे मॉडलिंग पे आ जाइए, फिर से जनरल पे आइए, और यहाँ पे जाके लोड एंड डिफिनीशन, जो आपने वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में दिया है, एडिट करके चेंज, यस क्लोज। अब देखिए आपका लोड इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन जो सामने वाले की एक्सपेक्टेशन है कि ग्राफ मुझे वैसा चाहिए, एट क्लोज। पुराने को यहाँ से आप डिलीट कर दीजिएगा, और फिर एनालाइज, रन एनालिसिस, सेम। और इस तरीके से आप देखेंगे तो एग्जैक्ट आपका जैसा ग्राफ आपको चाहिए था वैसा ही ग्राफ आपको मिल जाएगा। पोस्ट प्रोसेसिंग ओके। अब यहाँ पर आप बेंडिंग मोमेंट पर कर दीजिए, ये देखिए आपका ग्राफ वैसा है जैसा ग्राफ आप चाहते थे। कंट्रोल और माउस को स्क्रॉल करके आप ग्राफ बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से, ये देखिए। अब यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे तो आपके पास यहाँ पे भी देखिए ऐसे ही ग्राफ है, और यहाँ पे भी ऐसे ही ग्राफ है। आपने बोला मुझे सर मैक्सिमम यहाँ पे लिख के रखना है, यहाँ पे देखना है कि मैक्सिमम कैसे बोलते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे रिजल्ट पे जाएंगे, और रिजल्ट पे जाने के बाद यहाँ पे व्यू वैल्यू होता है, व्यू वैल्यू पे जाएंगे और बीम रिजल्ट पे जाएंगे, रिजल्ट व्यू वैल्यू पे जाएंगे यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, और यहाँ पे एनोटेट कर देंगे, तो कितना आ रहा है ये, 11.25। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि 11.25 आपका यहाँ पे वैल्यू आ गया। आप बोलोगे सर ये तो बेंडिंग मोमेंट, अच्छा आपको एंड और मिड को भी देखना है, तो ऐसे आप एनोटेट कर दीजिए, तो यहाँ पे जीरो और यहाँ पे जीरो है, मैक्सिमम यहाँ पे है 11.25 पे। आपने बोला सर मुझे शेयर फोर्स मैक्सिमम देखना है, तो सबको बंद कर दीजिएगा, और शेयर फोर्स मैक्सिमम देना है तो पहले शेयर फोर्स को ऑन कर लीजिएगा, और बेंडिंग मोमेंट को ऑफ कर दीजिएगा, और यहाँ पे शेयर फोर्स के मैक्सिमम अगर आपको केवल देखना है या इंड और मिड भी देखना है, तो आप ऐसे एनोटेट कर दीजिए, ये देखिए 15 किलो न्यूटन, और ये देखिए -15 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरह से वैल्यू देखते हैं अपने किसी भी लाइक शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट का, और किस तरह से न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो हमने आज केवल और केवल यूडीएल का लिया, ऑपरेशन किया यूडीएल को, अच्छे से हम लोगों ने देखा। क्या आप चाहते हो आगे पॉइंट लोड और यूबीएल और भी ढेर सारे टफ टफ न्यूमेरिकल, मतलब नियर अबाउट 7 to 8 टाइप्स हमने क्लियर किए हैं जो आपको आपके पास लेके आना है, लेकिन उसके लिए मुझे ये वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा यार लाइक चाहिए, और जितना आप लाइक करोगे जितना शेयर करोगे उतना मैं ढेर सारे नए नए टाइप्स के SFD and BMD के न्यूमेरिकल लगवाऊंगा,
और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफ्लेक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि डिफ्लेक्शन अगर मैक्सिमम निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे। तो आज से मैंने स्टार्ट कर दिया आपका मैनुअल, जैसा कि मैंने आपको बोला था। अब बीम, कॉलम, फुटिंग, स्लैब सबका मैनुअल होगा, मैनुअल वर्सेस सॉफ्टवेयर। हाँ, मैं एक चीज़ और करना चाहूँगा, जैसे कि अगर आप न्यूमेरिकल लगा रहे हो, बुक से आपने कोई न्यूमेरिकल देखा और उसका वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करने पे माइनस मान लो 11.25 पे आ रहा है या 11.25 आ रहा है, और आपने जब उसको सॉफ्टवेयर पे किया और सॉफ्टवेयर पे आ रहा है 11.10, तो चलेगा वो, क्योंकि 1 एंड 1.5 का थोड़ा बहुत वेरिएशंस होते हैं। तो आप ये मत परेशान होइएगा कि सर का एग्जैक्ट ये आया था, हमारा क्यों नहीं। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है, वो कभी कभी सपोर्ट आपने गलत कर दिया, कभी स्पैन का साइज, तो उतना थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है। चलिए, ये वीडियो आपको जैसा भी लगा हो यार, नीचे कमेंट करना और कमेंट करके बताना। इस वीडियो को आपको ढेर सारे लोगों तक एक्सप्लोर करना है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा नए वीडियोस देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइज। जय हिंद, जय भारत।